चीफ मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखा था ईटानगर का डिप्टी कमिश्नर का लेटर का ऊपर में, तो कल डीसी साहब ने लेटर को रिकॉल कर दिया सर, तो आप क्या बोलेंगे अभी? नहीं, इसमें जैसे कोई किसी ने कह दिया, किसी ने बोल दिया, दिल्ली का दिल्ली ऑर्डर पास करना तो अच्छा नहीं है, क्योंकि हम बहुत पहले से बोलता है कि कोई भी एक ऑर्डर पास करने का, जाने का ऑर्डर पास करने का जो ये होता है, तो कम से कम सूझबूझ में, समझदारी में थोड़ा बहुत काल को इसका दो दिन का बाद इसका क्या रिएक्शन होगा, ये सब चीज़ को थोड़ा स्टडी करना चाहिए। हर चीज़ को अगर आप, हम उधर निकल के देखता है, अगर इसमें अगर अपोज करता है तो हम उसको फिर उधरों कर देगा, और जब तक उसका अगर कोई अपील नहीं करता है तो हम उसको जनता का ऊपर में दबा डाल देगा, जोर शोर से उसको हम जनता को ऊपर में दबा डाल देगा। अगर जो ऐसे सोचता है तो बहुत गलत है। ये सिर्फ हम डीसी को नहीं बोलता है, चीफ सेक्रेटरी को नहीं बोलता है, सरकार जो भी अगर इसी तरह की अगर सोचता है, ये बहुत गलत है। ये अरुणाचल है, ये कैपिटल है, यहाँ जो है नियम नीति से चलेगा और किसी मन मर्जी में नहीं चलेगा, किसी एक आदमी का कहने पे नहीं चलेगा। कल को अगर ऐसे अगर आप दिल्ली इसी तरह के करते रहेगा, कल को अगर अचानक सारा जनता अरुणाचल का भाई, ईटानगर का जनता एक दिन में, दो दिन में यहाँ अगर जनता हवाज निकलने में, सड़क पे आने को टाइम नहीं लगता है, और हम तो आज भी बोलता है ये जो है बिना सोचे समझे ये सब काम नहीं करना चाहिए। अब जो है आप उनको बेके तो किया, क्या मैं उसमें मैं भी खुश हूँ, लेकिन अब मेरा जो ईटानगर कैपिटल में, कैपिटल का अंदर में जो बिल्डिंग बन रहा है, ऑनगोइंग स्कीम है, उनको भी पूरे से एनओसी पेड मांग रहा है। मतलब आप क्या करना चाहता है, आप क्या करना चाहता है सर? तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का वायलेशन नहीं होता है क्या उसमें? नहीं, उसके लिए एक ऑर्डर नहीं है, उसमें ऑलरेडी कैपिटल जुरिटेशन में कैपिटल का लिए कितना डेवलपमेंट करना है, कितना जगह उसका अंदर में प्रोजेक्ट एरिया को दिया गया, उसका अंदर में काम कर रहा है। तो शायद आप भी चाहते हैं सर, ईटानगर बहुत बड़ा हो गया, तो पहले जैसा तो नहीं है सर। देखो, यहाँ से तू जाकर तो कहीं तो दरिया पहाड़ में तो कोई बिल्डिंग तो नहीं बना रहा है ना, यहाँ आसपास में, इस आसपास में तो बिल्डिंग तो बन रहा है। आदमी जहाँ बैठेगा क्या वहाँ रास्ता नहीं होना है क्या? आदमी जहाँ बैठेगा रास्ता तो होना है, और क्या रास्ता नहीं बनेगा तो आप लोग मीडिया लोग क्या बोलेगा कि यहाँ जो है रास्ता ही नहीं है, आदमी इतना आदमी है, रास्ता नहीं है, ये क्या कैपिटल? आप ही लोग सबसे पहले पूछेगा। जहाँ आदमी बैठेगा वहाँ तो हम लोग को तो रास्ता, सरकार को तो रास्ता बना के देना है। जहाँ आदमी बैठेगा वहाँ तो हमको सरकार को तो लाइट पहुँचाना है, पानी पहुँचाना है, ये तो जो इंसान को जो ज़रूरी चीज़ है उस चीज़ को हम लोग पहुँचाने का कोशिश करता है। लेकिन उसमें अगर आप लोग भी बोल दिए ये जो है फॉरेस्ट का ज़मीन है और डेवलपमेंट तो नहीं करना है, आप ही लोग बोल दो तो जनता को, पूरा जनता को बता दीजिए कि ये ईटानगर में कोई डेवलपमेंट नहीं करना है। जो डिप्टी कमिश्नर जो बोल रहा है वही सही है, आप ही लोग बोल दो। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ, लेकिन ये हम बिल्कुल नहीं मानता है बोल के नहीं बोलता हूँ, लेकिन ऐसे आपको हम एक यहाँ चौथा से एक चीज़ बताने चाहूँगा। 78 में एक आपका 23 फरवरी में एक ऑर्डर है, ये फॉरेस्ट का ज़मीन है। फिर 78 में आपका 16 अगस्त में ईटानगर का कैपिटल जोन यहाँ इतना एरिया में डेवलपमेंट करेगा, एक ऑर्डर है। 79 में एक ऑर्डर है, कम से कम नहीं होने से 5-6 तो ऑर्डर निकल पास किया हुआ है। लेकिन इसलिए हम बोलता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक मैप को 4-4 बार घूम के, यहाँ से ए से घूम के जेड में गया, जेड से फिर घूम के ए में गया, ये पता नहीं है उस समय का जो चीफ सेक्रेटरी था, इन्होंने क्या करना चाहा, क्या करना नहीं चाहा, वो हम लोग को समझ में नहीं आता सर। उसमें गांव तो बहुत कम था, अभी तो 100 से ऊपर गांव हो गया सर। देखो, हम आज आपको दिल से आप लोग को बताने चाहूँगा, हमारा कम से कम 7-8 गांव है, नोटिफिकेशन में हमको दिया गया है, छूट दिया गया है, 7-8 गांव है। 7-8 गांव में जो पॉपुलेशन है आज, जो जो है जैसा कि एक एग्जांपल गंगा है, गंगा 1, गंगा 2, गंगा 3, गंगा 4, गंगा 5 चला गया, क्योंकि
आदमी शादी करेगा तो बच्चा होगा ना नहीं होगा, जो 61 का सेंसस में जो वो आदमी लोग क्या उसका बच्चा नहीं होना चाहिए, उनका बेटा बेटी शादी नहीं होना चाहिए क्या? हम लोग क्या 77 में नाशबंदी तो हुआ, अरुणाचल में तो नाशबंदी तो नहीं हुआ। हाँ, कम से कम बाहर स्टेट में तो जैसे कि महाराष्ट्र मुंबई वगैरह वगैरह में तो हम लोग देखता है वहाँ जो है हिजरा बहुत होता है, लेकिन हमारा अरुणाचल में तो हिजरा तो होता होगा लेकिन बहुत कम होगा, लेकिन हम लोग तो हिजरा तो नहीं है। बिना शादीशुदा में बैठेगा, बिना बच्चा पैदा करके बैठेगा। 77 में नाशबंदी हुआ भी अरुणाचल में तो हुआ नहीं है, और आप लोग तो जानता ही है हम लोग जो है अरुणाचल में पेर निशी कम्युनिटी में तो हम लोग 3-4-5 शादी करने वाला था। तो इसीलिए हम लोग जो है 7 गाँव में अगर 7-8 विलेज को हम लोग को दिया तो हम लोग का शादी ब्याह होते गया, बच्चा बढ़ते गया, एक बाप से कम 5 बच्चा हुआ, 5 बच्चा से तो कम से कम 5 बच्चा अगर 5 शादी किया तो अगर उसका 5-5 बच्चा हो गया तो कितना हो गया 60 इयर्स में। आप देखो 61 का जो सेंसस से लेकर आज तक 60 इयर्स में क्या हम लोग का सिर्फ वो जो है 7 गाँव में 10 आदमी है, तो 10 आदमी रहना है क्या? सर वहाँ एरिया स्पेसिफिकली दिया हुआ है 1.6 किलोमीटर 1.6 इसीलिए तो हम कह रहा हूँ 1.6 किलोमीटर दिया है। हम जैसे कि शादी किया, मेरा बच्चा का बच्चा हुआ, बच्चा का बच्चा हुआ, हमको तो आगे तो जाना पड़ेगा ना। और ये जो है शुरू से हम लोग का था और कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, और उसमें से विलेज 1 विलेज 2 ऐसे भर के हमारा 7-8 विलेज से जाकर आज 7-8 गाँव से जाकर आज हमारा 52 गाँव है। 52 गाँव जो है विलेज जो है भारत सरकार ने हर 10-20 साल में उसमें एक कोट देता है, वो कोट भारत सरकार ने दिया और यहाँ से डीसी रिकमीशन किया हुआ है। हाँ, यहाँ से डीसी रिकमीशन किया हुआ है, भारत सरकार से हम लोग को कोट दिया हुआ, आज वो कोट हम लोग को दिया, आज हम लोग का पास 52 गाँव है। तो मेरा अधिकार है हमको यहाँ रहने का, सिर्फ वो 2 आदमी तो 2 आदमी नहीं रह सकता है, 10 आदमी तो 10 आदमी नहीं रह सकता है। इसीलिए सरकार को, भारत सरकार को ये जल्द से जल्द हमारा 52 गाँवों को और भी 1.5 करके 1.6 करके दे दो, हम लोग कुछ नहीं बोलेगा। और कैपिटल में जो डेवलपमेंट करना है, कैपिटल में होना है वो तो होना है, और कैपिटल में जो भी कोई भी सेक्टर कॉलोनी में सड़क बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रहा है, सरकार का जो डेवलपमेंट कर रहा है उसको NOC का लिए फिर तेरा बेरा नहीं करना चाहिए, और तेरे बेरे करेगा कल को फिर एक प्रॉब्लम आएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ सूझबूझ में काम लेने से ठीक है, समझदारी का लिए इशारा काफ़ी है, और हम तो ये कहेगा समझदारी से काम लेने से ठीक है, और समझदारी में काम नहीं लेगा बाद में ये प्रॉब्लम आते जाएगा कल को विक्टिम होने का बाद फिर घूर के देख के पैदा नहीं होगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ अरुणाचल में अच्छा खाचा ईटानगर में डेवलपमेंट हो, कैपिटल में हर जनता खुश हो, हाँ हर बेटा बेटी अच्छे से पढ़े लिखे, हाँ जिंदगी आगे बढ़े, सब जिए, आप भी जिए, सबको जीने दो, हाँ हम सभी को भी जीने दो, आप भी जिए। हाँ तो पोतम साहब ने ऑर्डर को रिकॉल किया, उससे आप संतोष है सर? फिलहाल कासो साहब, कल एक आप जब NOC का जब बात करते हैं तो कल ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी एक ऑर्डर दिया कि जो भी स्कीम्स ईटानगर में लागू करेंगे NOC लेना पड़ेगा IMC, तो इसमें कोई आपका कोई टिप्पणी है क्या? नहीं, इसमें NOC IMC से लेना हो बात जो है, इस बात को मैं कम से कम 100% साथ देने का, मैं मंजूरी देने का मैं भी कोशिश करूँगा। होना चाहिए, क्यों बोलने से जैसे कि ऐसा होता है कि क्योंकि ये बात हमको बोलना नहीं चाहिए, सुबह नहीं देता है, लेकिन यहाँ ऐसे कुछ लोग है एक वाल को 7 टाइम 6 टाइम पेमेंट लेता है, लेकिन ये हमको बिल्कुल इसको हम ये बात को लेकर असेंबली में भी हम बोल चुका हूँ, और इसमें इसीलिए वो NOC लेगा उसको अगर काल को अगर हाँ वो मालूम हो गया कि PWD डिपार्टमेंट, RWD डिपार्टमेंट, मतलब हर डिपार्टमेंट का अगर तो वो काम जो है डबलिंग नहीं होगा, और एक मतलब वाल को कम से कम 2 बार पेमेंट नहीं मिलेगा। अगर म्यूनिसिपल में बनाया तो म्यूनिसिपल वाला पेमेंट दिया तो PWD नहीं दे सकता है, PHE नहीं दे सकता है, RWD नहीं दे सकता है, लेकिन वो
म्यूनिसिपल से पेमेंट लिया तो एक बार ये लेना चाहिए, मिसयूज नहीं होगा। जो सरकार का जो पैसा है, जो धन राशि है, वो मिसयूज नहीं होगा, मैं उसमें सहमत हूँ और वो जो है होना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू।